पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, एपीआई जिर्गे को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, एपीआई जिर्गे को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नुकसान के आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, नुकसान के आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, शेरगे को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, एपीआई शेरगे को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। चलो कवरेज शुरू करो। नहीं, हम डीसीपी सर के पास जाके आए, हमें जहाँ जाना था हम जाके आए। नहीं, क्या करना है बात करके, जिस घटना स्थल पर सीनियर पीआई पहुंचे, बीट के दो दो पुलिस कर्मचारी पहुंचे, उनके सामने मार के उसका मोबाइल छीना, पुलिस वाले से मोबाइल मांग रहा है, मेरा मोबाइल दे दो, उसको मोबाइल नहीं दे रहे, उसको आरोपियों की तरह पुलिस पकड़ के यहाँ लाई, और वो मारने वाले को उसकी बाइक पर बिठा करके भर्रा तेजा पुलिस स्टेशन में बुलाई, मेरे पहला वो पुलिस स्टेशन में, और उसको प्लानिंग करके मारा गया, हमारे पास सारे एविडेंसेस है, और तुम एक्सीडेंट का केस बना रहे हो। रफीक भाई, किसने यहाँ पे पत्रकार जमा हुए शहर के, क्या किए रफशान यहाँ? मैं मेरे तमाम पत्रकार साथियों को, भाइयों को एक बात स्पष्टता से बताना चाहता हूं। 3 सप्ताह पहले कौसा कब्रिस्तान के पास एक घटना हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिया मुस्लिम समुदाय के एक नेता है अयाज अहसन, इनके साथ एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने गालियां देकर के बदतमीजी की। बदतमीजी करने के दौरान का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया, हम सभी लोकल कुछ चैनल वालों को मिला, हमने उस पर खबर चलाई। बाद में मोहम्मद हुसैन महिडा उर्व मम्मू नाम का वो युवक हम में से सुल्तान रिजवी, मैं, ऐसे कई लोगों के पास, कुछ बड़े लोगों को लेकर के आया, हाथ पांव जोड़े, मेरी गलती हुई है, दोबारा इस तरीके की हरकत मैं करूंगा नहीं, बोल करके उसने वो वीडियो हमारा रुकवाया, उसका जो उसके खिलाफ था, उसके अभद्रता का। उसी तरीके से उसने रफशान पीरानी को भी कहा, रफशान पीरानी ने पहले वो वीडियो ब्लॉक किया, उसके बावजूद उसने रफशान पीरानी को फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी, हाथ पांव तोड़ने की धमकी दी, मैसेजेस किए, सब कुछ किया, और 7 फरवरी को हमारे पत्रकार साथी सुल्तान रिजवी साहब को वो उनके घर के पास जाके मिला। उस दौरान जो संभाषण हुआ उसका पूरा रिकॉर्डिंग सुल्तान रिजवी साहब के पास मौजूद है, और इसमें उसने प्रहार टाइम्स के इस्लामुद्दीन, मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर, सुल्तान रिजवी और अन्य कई पत्रकारों की टांगे तोड़ने की, उनको जान से मारने की बात किया, कि ये होते कौन है, हम एक एक करके सबको मारेंगे। और 22 तारीख को रफशान अपने घर जा रहा था, चलती मोटरसाइकिल को से उसको गिरा करके कौसा वाली दिशा से मुमरा वाले रोड पर ला करके ओएसिस के पास ले जाके उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और सबसे बड़ी दुख की बात कि वहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केशव चौरे पहुंचते हैं मारपीट के वक्त, वही उसी वक्त पहुंचते हैं, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, लोगों का हुजूम जो है उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद में यहाँ पर 2 कांस्टेबल जो लोग आए हैं कौसा बीट से, उस कौसा बीट के कांस्टेबल्स के सामने रफशान को फिर मारपीट की जाती है, उसका मोबाइल छीना जाता है, और रफशान के मांगने पर वो रफशान को नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है पुलिस को, ये पुलिस से मांग रहा है, पुलिस नहीं देती है।
एक कोई यहाँ मुमरा में कार्यरत नहीं है, मुंबई में कार्यरत रहने वाले कोई पत्रकार है, वो उसी वक्त आप वहां गुजरते हैं। रफशान को उनका नाम नहीं पता, वो अपना आईडी पुलिस कर्मियों को दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, उसका मोबाइल उसको क्यों नहीं दे रहे हो। तब जाके पुलिस कर्मी कामले नाम का जो बीट पे है वहां पर, वो और उसका साथी इसको मोबाइल लौटाते हैं। लौटाने के बाद ये मुझे फोन करता है, मैं इसको पुलिस स्टेशन भेजता हूँ, यहाँ से मेडिकल मेमो लेने के बाद सुबह 8 बजे इसको घर से बुला करके एफआईआर की कॉपी दी जाती है, मगर जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। और ये स्टेटमेंट बदलने का काम किया एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रामदास शेड़गे ने। क्या मैनेजमेंट था, किस वजह से किया गया, उस वक्त रफशान पीरानी, उसके बाद धमकी के जो मैसेजेस है, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वॉइस मैसेज है, वो दिखा रहा है, लेकिन रामदास शेड़गे वो सब मुझे देखना नहीं है। और तू ज्यादा बात करेगा तो वो लोग भी क्रॉस केस करेगा, तेरे ऊपर बड़ा केस करेगा, ऐसा बोल करके इसको डरा रहे। रफशान को 3 बजे रात को वापस भेजा गया और सुबह 8 बजे बुलाया गया। उस दौरान उसी हमलावर मोहम्मद हुसैन महिड़ा और मम्मू को बुला करके इन्होंने क्रॉस कंप्लेंट भी उसकी दी। तो ये क्या चल रहा है मुमरा पुलिस स्टेशन में, कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो रही है? मारपीट की जगह सीनियर पीआई पहुंचते हैं, इतनी स्थिति गंभीर देखते हुए वो दूसरे दिन इस मामले का आकलन नहीं करते, उसमें आवश्यक जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाते। और हमने धारा 336 279 यानी दुर्घटना के कलम एपीआई शेड़गे ने यहाँ पर लगाए, जबकि मारपीट के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। रास्ते से घसीट करके, बाइक से गिरा करके, वहां ले जा करके आज हमारे इस पत्रकार, युवा पत्रकार साथी को मारा गया है। हम मुमरा शहर के समस्त पत्रकार एकजुट यहाँ खड़े हैं, जब तक एपीआई शेड़गे को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और जब तक इसमें ऊंची धाराएं लगा करके मम्मू महिड़ा, मोहम्मद हुसैन महिड़ा और उसके तमाम 5 से 6 अज्ञात साथियों को ढूंढ करके हत्या के प्रयास का मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया जाएगा, मुमरा के पत्रकारों की यह लड़ाई रफशान पीरानी के लिए जारी रहेगी। पत्रकार यूनियन, अभी जब मेरे द्वारा खबर चलाई गई, कल रात में हमने खबर चलाया रफशान पीरानी के जो हमला किया गया था, और रात को 12:30 बजे इसने हमको जो है धमकी दिया, व्हाट्सएप कॉल किया और कहा हमने जो है पुलिस सेट कर लिया है और शेड़गे मेरे साथ में है, मैंने सेट कर लिया हूँ, जो भी पत्रकार आएगा उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा, और हमको बुरी बुरी गाली दी, सारे पत्रकारों को गाली दिया। मैं 1 बजे रात को, कल रात की बात कर रहा हूँ, मैं आकर के मैंने कंप्लेन दर्ज कराया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर जो ड्यूटी पे कार्यरत पुलिस वाले थे एक फोन भी नहीं किया उसको, वो बोल रहे हैं हमको पता है, मतलब इससे ये लगता है कि जो मम्मू है वो मम्मू ही यहाँ का जो है ड्यूटी ऑफिसर है, सबसे बड़ा सीनियर मम्मू ही हो गया, उन लोगों ने एक फोन भी नहीं किया उसको। ये मैंने कंप्लेन किया और वो बोला मैं तुम्हारे घर के नीचे आऊंगा, तुमको जो है जान से मारूंगा, और जो भी साला पत्रकार आएगा, अपशब्द का प्रयोग किया, उसको भी हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैंने पुलिस को चेक कर लिया, डायरेक्ट बोला उसने, शेड़गे का नाम लिया उसने, एपीआई शेड़गे का, और मैंने कंप्लेन डीसी साहब को भी हम लोगों ने दिया है, इसीलिए शेड़गे का हमें सस्पेंशन चाहिए। सस्पेंड करो शेड़गे को, सस्पेंड करो। रफशान तुम्हारी क्या मांगे? 22 फरवरी की रात 10:30 बजे के करीब मैं दूध लेके कुर्ला डेरी से अपने घर जा रहा था, उसी दौरान युवक मम्मू महिड़ा, मोहम्मद हुसैन महिड़ा ने बाइक से मुझे आकर के टक्कर मारा, मैं भी अपनी बाइक पर था, मेरी गाड़ी मिसबैलेंस हुई, उसी जगह पर एक रिक्शा भी पलटी हुई, मुझे गंभीर चोटें आई, रोड से उठा करके ये लोग ने मुझे ओसिस टावर के गेट तक लेकर गए और वहां पर भी मारे, पुलिस के सामने मेरा मोबाइल छीना, पुलिस वाले वहां पर देखते रह गए। जब गौसा बीट के कांस्टेबल कामले के हाथ में मम्मू महिड़ा ने मेरा मोबाइल दिया तो वो पुलिस ऑफिसर मेरा मोबाइल मुझे नहीं दे रहा था, वो कांस्टेबल ने मोबाइल एक पत्रकार भाई के कहने पर मुझे वापस दिया। जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने आया तो वो आरोपी मोहम्मद हुसैन महिड़ा, मम्मू महिड़ा पहले से ही मुमरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस पे मौजूद था और एपीआई शेड़गे के साथ में उसकी बातचीत जारी थी। मुझे देख करके मेरे पहले एपीआई शेड़गे ने उसे
मेमो दे दिया कि सिविल हॉस्पिटल जाओ और आप एमएलसी करा के आओ। उसी दौरान मुझे भी मेमो दिया गया, मैंने यहाँ से फौरन शिवाजी हॉस्पिटल गया, वहाँ पर अपना एमएलसी कराया, ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन आता हूँ तो यहाँ पर एपीआई शेडगे ने मुझे पहले तो धमकाने की कोशिश की कि अगर तुम केस करोगे तुम्हारे पे बड़ा केस हो जाएगा। जब मैंने कहा कि सर मैं आगे करना है, मुझे लड़ना है ये केस को, तो बोलते हैं, बोला जाता है कि फिर उसकी भी सुनवाई होगी, वो भी बहुत सी चीजें बोलेगा। तो मैंने कहा सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस बोलेंगे। जब थोड़ा प्रेशर में आए एपीआई शेडगे साहब तो उन्होंने एक्सीडेंटल कॉज का केस बनाया मुझ पर, जो कि काफी ज्यादा नाइंसाफी है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर था, ये लोग 15 दिन से मेरी मर्डर करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके सारे सबूत सुल्तान भाई के पास में रिकॉर्डिंग मांगे। सबसे पहले तो मम्मू हुसैन महीड़ा और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए, और जो भी पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है जिसने गलत इस्तेमाल किया अपने पोस्ट का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एपीआई शेडगे को सस्पेंड किया जाए। चोट आपको कहां कहां पे लगी आप बता सकते हो? दोस्तों मैं आपके सामने है, पूरी इंजरीज मेरी आप देख सकते हो, 2 दिन पहले की चोटें हैं, मुझे पसली में भी माइनर क्रैक है, मुझे हाथ पर भी आया है पूरे तरीके से, क्योंकि मैं बाइक में स्पीड बाइक से उसने मुझे आकर के ठोका और मैं गिरा हूं। सबसे बड़े हैरत की बात तो यह है कि आरोपी पुलिस के साथ में बैठा है, टोटली पूरा पुलिस की मिली भगत के साथ। ये जब आए हैं अपना कंप्लेंट कराने के लिए पत्रकार रफ्सान पिरानी, तो मम्मू जो है पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं, अरे भाई कहीं ना कहीं देश का चौथा स्तंभ अब खतरे में है मेरे ख्याल से। ये सब आप लोग डिसाइड करो, आप लोग भी मेरे पत्रकार भाई है, आप लोग अपने आज सब खड़े होकर के शाना बाशाना मेरा साथ दिया है, ये लड़ाई हम सब की है। पत्रकार पर हमला यानी कानून पर हमला। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब पैसा हो गया, पैसा तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लगता है आपको इस तरह का मतलब हो गए इस तरह? बिल्कुल, ये सब चीजें का जो सबूत है ये हम लोग आपको सीसीटीवी फुटेजेस के साथ में देंगे। अगर ये इस तरीके से मुमरा पुलिस ने जो व्यवहार किया है मेरे साथ, ये पत्रकार के साथ में जब ऐसा हो रहा है तो आम इंसान के साथ में क्या करते होगे जी?